मान गोविंद को महानता तमे मैट्रिक रे एबे वर्तमान पढ़ी के आसिलो नहीं यस सर तमरो गुटे कविता अछि साहाडा वृक्ष कोनो साहाडा वृक्ष कवि होचंती सारला दास नहीं यस से जो साहाडा वृक्ष संपर्क करे तो मु कहिबी ता पूर्वरु कवि को कथा टी कहिबा आलोचना करिबा हला सारला दास किए जानिथिबो तमे मैट्रिक रे पढ़ी चो मान गोविंद को महानता ना पढ़ी न यस सर पढ़ी छु हो पढ़ी चो मान गोविंद को महानता नो सर नहीं ए जो सारला दास ये सारला दास होचंती ओडिसा रो माटी रो महाकवि शूद्र मुनि सारला दास कोठे जन्म ग्रहण करिसंती जगत सिंहपुर जिला झंकड़ हला झंकड़ रे जन्म ग्रहण करिसंती जोटा कि एबे आधुनिक वर्तमान रो नाम कनकपुर बोली कहंती कोन कहंती कनकपुर हला तांकर जन्म होची पंचदश शताब्दी 1500 शताब्दी रे तांकर जन्म हला सेतेबेले राजा थिले कपिलेन्द्र देव हला सेतेबेले राजा थिले सेई समय रो ये लेखक बुझिला तांको पितृ प्रदत्त नाम थिला कोण सिद्धेश्वर परिडा हला सिद्धेश्वर परिडा तांकर पितृ दत्त नाम थिला बा तांको बापा ना देथिला ना सिद्धेश्वर परिडा सरला दास बोली किमिति हला तांके सरला तांके कविता जानी छो देखो जगतसिंहपुर जिला झंकड़ गुलोडे स्थान अछि झंकड़ रे मां सरला गोटे पीठ अछि हला तांके सेवा करे कि ना हां सेइठु मांकर कृपा लाभ रे हला से कवित्व लाभ करिसंती आउ सारला नाम रे से नामित होई छंती बा परिचित होई छंती तेनु कहंती सारला दास हला के कहंती भी देवी सारला देवी को से होचंती पुत्र बुझला देवी सारला को कृपा लाभ करी कवित्व प्राप्त होई छंती आ तांकर परवर्ती नाम सारला दास हला से थिले ओडिया साहित्य रो आदि कवि हला से होचंती ओडिया साहित्य रो आदि कवि कथित लोक भाषा को साहित्यक भाषा रो मर्यादा प्रदान करी से विलास महाभारत ग्रंथ रचना करथिले सुनिथिबो महाभारत ग्रंथ नहीं संस्कृत महाभारत अछि कहारो व्यासदेवंकर हला से जो संस्कृत महाभारत को ओडिया रे से हला महाभारत ग्रंथ रचना करिले मूल संस्कृत महाभारत आधार रे लिखित होइथिले हे आपणार अलौकिक प्रतिभा तथा दिव्य परिकल्पना शक्तिर सहायता रे से सेथिरे अनेक नूतन कहानी संयोजना करिछन्ते से जो संस्कृत महाभारत सही आधार रे लेखिथिले हे निजे गोटे कोन करिछन्ती किछि नूतन कहानी संयोजना करिछन्ती संयोजना करी गोटे मौलिक संपूर्ण मौलिक ग्रंथ रचना करिछन्ती कवि सारला दास तांको समकालीन समय रो कवि सारला दास तांको समकालीन समय रो अनेक राजनीति ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना को महाभारत मध्य रे रूप देछंती यहा को ओडिया जाति रो जीवन वेद बोली जीवन वेद रे परिणत करथिले बुझिला
ये होची जो सरला दास हला ए जो कवि सरला ए जो प्रसंग रे व्यासदेवंकर मुख रे बा व्यासदेवंकर मुख रे साहाडा वृक्ष रो वर्णना करिछंती हला व्यासदेवंकर मुख रे साहाडा वृक्ष रो महिमा बा महत्व वर्णना करिछंती एथिरे साहाडा वृक्ष किपरी श्रद्धालु रो सुखाद्य प्राप्ति रो कारण होईछि ता एठारे वर्णना करा जायछि हला साहाडा वृक्ष किपरी श्रद्धालु रो बा भक्त रो सुखाद्य भलो खाइबा सुखाद्य भलो खाइबा बा प्राप्ति रो कारण कि होई पारिछि ता एठारे वर्णना करा जायछि बुझि पारिलो ये हला कविंक कथा हला कवि महाभारत तो लिखिछंती ता सहित चंडी पुराण विचित्र रामायण लक्ष्मी नारायण वचनिका विलंका रामायण ए सबु से ग्रंथ लिखिछंती बुझिल कविता संपर्क रे तमानु को मु कहिबी हला साहाडा वृक्ष देखिछ केबे साहाडा वृक्ष केबे देखिछ नै सर देखिछ जानि पारनो हाँ सर प्रत्येक घर बारी पछपटे साहाडा वृक्ष थाए हला मने पकाओ ए जो साहाडा वृक्ष कविताटा ए साहाडा वृक्ष कविताटी कविंक ग्रंथ अछि महाभारत नहीं महाभारत अछि ना नहीं से महाभारत आदि पर्वरु गृहीत बा आसीछि मन रख साहाडा वृक्ष कविताटी कोठु आसीछि साहाडा वृक्ष कविताटी कविंक महाभारत आदि पर्वरु आसीछि मन रख इम्पोर्टेंट हला ए जो साहाडा वृक्ष मु पचारे तमे कौच देखिन हला साहाडा वृक्ष तमे जानिछ प्रत्येक ओडिया हला बारी पछपटे बा खळा खळा जानिछ खळा हला बाड़ी रे प्राय ए साहाडा वृक्ष थाए ए जो साहाडा वृक्ष तो देखिथिब रो आकु औषधीय जो साहाडा वृक्ष रो पत्तर को भी औषधीय भाबरे औषध भाबरे व्यवहार करा जाय हला जोडा की तापरे तमरो साहाडा वृक्ष रो दांत काठी साहाडा वृक्ष दांत काठी जानचो तो किछि हां सर एई दांत काठी साहाडा वृक्ष रो दांत काठी हला कोण ना बल वर्धक बोली लोक विश्वास करती साहाडा वृक्ष रो दांत काठी घसिले हला बल वर्धक बोली लोके विश्वास करती विश्वास रही पुहणी साहाडा पत्र को ताकु सुखौचंती साहाडा पत्र को सुखौचंती हला ताकु सुखैकी जेती कि तमर शस्य हला शस्य थिबो शस्य कोण कोळथ मांडिया बिरी ए सबु जो तमर शस्य हला ए जो शस्य को बीजमानक मध्य रे रखिले सेथिरे पोक लागंती नाही से शस्य को कोण करंती शस्य रे ए जो साहाडा वृक्ष रो पत्र को सुखैकी से भितरे रखिले कोण हबो पोक लागिबो नै नहले देखिबो सेमिति रखिले कोण होउची से शस्य गुडा पोक लागि जाउची नै
ଏସବୁ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ କବି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ବଂଶ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତର ଅଛି କୁରୁବଂଶ କୁରୁ ରାଜବଂଶ କୁରୁ ରାଜବଂଶର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ବଡ ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ସାନ କନିଷ୍ଠ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ହେଁ ଚକ୍ଷୁହୀନ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତାଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବଳଶାଳୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ରାଜମାତା ସତ୍ୟବତୀ କାଳକ୍ରମେ ପିଲା ଦୁହେଁ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଥିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା ହେଲା ବାହାଘର ହବ କାହାର ବାହାଘର ପ୍ରଥମେ ହବ ବଡ ଭାଇ କିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ପାଳି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଳି ମାତ୍ର ବିଧିର ଏପରିକି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପଡ଼େ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପଡ଼େ ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଠିକ ହୁଏ ସେ ଝିଅଟି ଅକାଳରେ ମରିଯାଏ ଏମିତି ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ କ'ଣ କଲେ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି କ'ଣ କୃତିକା ବୃକ୍ଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ବା କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋଷ କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା ଏପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ହେଲା ପରେ ଥରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ଶହେ ପୁତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଶକୁନି ସାର୍ ଶକୁନି ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଶକୁନି ଶୁଣାଯାଉଛି ହଁ ସାର୍ ଶକୁନି ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି କିରେ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଶକୁନି ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଶୁଣାଯାଉନି ଶକୁନି ସାର୍
गांधार देशर राजा हौचंदि गांधार सेन ला ए जो महर्षि वेदव्यास गांधार देशर राजा गांधार सेन राज्य को परिभ्रमण रे जांति आउ राजा गांधार सेन सहे पुत्र रे एकमात्र कन्या गांधारी राजा गांधार सेन सहे पुत्र रे एकमात्र गोटे बोली झियो कन्या गांधारी सुंदरी सुकुमारी रूप गुणवती गांधारी रो किंतु एक दोष थाए कौन दोष अछि से ही धूतराष्ट्र जो दोष गांधारी भी से दोष जो राजकुमार सह तार विवाह प्रस्ताव पड़े से मृत्यु बरण करे गांधारी रो जहाँ सह विवाह प्रस्ताव पड़े से मृत्यु बरण करती हला सुना जाउची यस सर जेउ राजकुमार सह गांधारी रो तार विवाह प्रस्ताव पड़े से मृत्यु बरण करती एई दुखरु पारी करिबा लागि गांधार सेन सर्वज्ञ वेदव्यास को पचारंती एमिति काहे कि होउची व्यास ज्योतिष शास्त्र रो गणना करी गांधारी गोटिए ब्रह्म राक्षसी गांधारी गोटिए ब्रह्म राक्षसी ओ से जहाँ को बाहा हेब तार एपरी दशा घटिबो बोली हला वेदव्यास कहंती व्यासदेव कहंती यह शुणी गांधार सेना राजा खूब कष्ट पाइछंती मूर्छा भी हो जाइछि व्यास तांकु प्रबोधना दे साहाड़ा वृक्षर महिमा बखाणी छंती परे सही महिमामय साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारी को विवाह हेबा परे धृतराष्ट्र को पुनर्विवाह करिबारु तांकर दाम्पत्य जीवन समय होइछि गांधारी ही होइछंती धृतराष्ट्रंकर पाई योग्य पात्री ठीक सही परी धृतराष्ट्र गांधारी को योग्य पात्र हैला तुम एबे देखिछो तुम टीवी सीरियल भी देखुछो जदि से झियो जदि दोष कन्या हेछि जदि कुंवारी कन्या ना उवासी कन्या जानिछो सुनिछो ना उवासी कन्या हैला सेई दोष थिबो जदि ताको के बाहा होअन्तिनि से जहा को विवाह करिवो से बर मृत्यु बरण करिवो तेणु कौन करती से दोष खंडन करने कौन करा जाए ना साहाड़ा वृक्ष को साहाड़ा गच्छ को हैला प्रथमे विवाह करती गच्छ को विवाह करती समय जानी थी ना शुणी थी साहाड़ा वृक्ष को प्रथमे विवाह करती जहाँ दोष थाए तापर जो ठीक करा जाए से बर को बाहा तार कि मृत्यु हुए ना कहीं साहाड़ा वृक्ष को बाहा जो से तार दोष कौन हो खंडन हो जाइ दोष कटि जाइला ये सब कथा है साहाड़ा वृक्षर महात्म्य आउ सब वृक्षर महात्म्य अच्छी शास्त्र संगत अच्छी है ताको आम आलोचना करवा बुझला तुम कही थी साहाड़ा वृक्ष कौ आसी साहाड़ा वृक्ष कौ आसी महाभारत आदि पर्व महाभारत है महाभारत आदि पर्व रु साहाड़ा वृक्ष कविता आसी मन रख देख जीवा गोलक वृक्ष करतार रथे चक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक प्रथमे देख बुझा पड़ुची तमे कवि कथा जानिल कवि विषय जानिल साहाड़ा वृक्ष साहाड़ा गच्छ रो महत्व जानिल तार महात्म्य जानिल ना नाई वर्तमान आमे कविता को जाउछंती हैला ए जो सारला महाभारत तो आदि पर्व रु आसी साहाड़ा वृक्ष बा साहाड़ा
गछर महात्म्य कथा लेखा जाइछि हला आकु आमे आलोचना करूछंती गोलक वृक्ष कर तार रथे चक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक बुझि पारुछ बुझी पारुछ ना नाही रे यस सर कोन बुझिलो गोलक वृक्ष कर तार रथे चक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक बहुत सुंदर कविताटा मन ध्यान देकि सुनो आउ मु जहा जहा कठिन शब्द कहुचि ताकु खातारे नोट करो आ मने रख कहिले तम जते बेले कविता पढिबो तमकु हटात बुझिजिब गोलक वृक्ष अर्थ कोन गोलक वृक्ष अर्थ तम जानिलो साहाडा वृक्ष बा साहाडा गच्छ साहाडा गच्छ उपरे एते कथा मु कहिले तमकु साहाडा गच्छ कथा जानिलो गोलक वृक्ष अर्थ होउचि साहाडा गच्छ कर तार रथे चक कर तार अर्थ कोन सूर्य देवता कर तार अर्थ हला सूर्य देवता रथे चक सूर्य देवतांकर रथ चक हला महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक महाकल्प वृक्ष महाकल्प वृक्ष अर्थ कोन महाकल्प वृक्ष अर्थ होउछि जो वृक्ष तले बसी कामना करा जाए कामना कले फलवती हुए बुझि पारलो सुना जाउछि मो कथा महाकल्प वृक्ष कोन ना जो वृक्ष तले बसी कामना कले हला से कामना सफल हुए सही ताकु महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाए से हरई महापातक कोन बुझिलो ना गोलक वृक्ष बा साहाडा वृक्ष साहाडा गच्छ हला जहा करतार बा सूर्यंक रथ चक ताहा हला ताकु दर्शन कले हला कोन हुए हरई महापातक महापातक अर्थ कोन महापाप जतिक सब महापाप अछि हरण हब बा हरई जीव हला कोन हब महापातक हरण हे जीव महापाप चली जीव ए प्रथमटा बुझी पारलो समस्ते गोलक वृक्ष कर तार रथे चक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक गोलक वृक्ष साहाड़ा वृक्ष जहा सूर्यंकर रथ चक ताहा हला सेई साहाड़ा वृक्ष बा सेई सूर्यंकर रथ चक को देखिले कोन हब जेतिकी महापाप अछि ताहा हरण होई जीव बुझिल द्वितीय को जीवा पूर्वे सृजित ताहा कलेक प्रजापति दोषी कन्या होइले ताकु विवाह करिब जुगती पूर्वे सृजित सृजित अर्थ कोन सृष्टि पूर्वरु सृष्टि हेथिबा ताहा कलेक प्रजापति किए सृष्टि करिछंती प्रजापति प्रजापति कहिले किए प्रजापति कहिले ब्रह्मा हला दोषी कन्या होइले ताकु विवाह करिब जुगती पूर्वे हला एई ब्रह्मा सृष्टि करिछंती कोन सृष्टि करिछंती दोषी कन्या होइले ताकु विवाह करिब जुगती दोषी कन्या होइले मु कहिली दोषी कन्या कोन हला एई दोषी कन्या जदि जे हेइथिबो ताकु प्रथमे हला ताकु ए जो दोषी कन्या प्रथमे साहाडा वृक्ष को विवाह करिबो ता परे से दोषरु मुक्ति पाइबा परे अन्य जहा सहित बर
ठीक करा जायथिबो ताकु विवाह करिबो एहा प्रजापति कहिले किए ब्रह्मा सृष्टि करिछंती बुझी पारलो द्वितीय जुगो हला जोगो 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 हला जुगति अर्थ जोगो जोगो हुए हो हला से दोषी कन्या को आ गोटे दोष दोष जार दोष थिवो से गोटे बर को जोगो करा करंती के करंती प्रजापति ब्रह्मा हला गांधार सेन बोइला से वृक्ष अछि मोहर नवर मझा थाने मु ताहाकु मुनि हो पूजा करई नीति दिने गांधार सेन बोइला गांधार सेन किए गांधार सेन होउछि गांधार देशर राजा गांधार सेन बोइला कोन कहिला मोहर नवर मझा थाने अछि कोन अछि एई जो वृक्ष एई जो साहाडा गच्छटा मोर नवर मझा थाने मोर नगर र मध्य स्थान रे मध्य भाग रे एई साहाडा गच्छटा अछि मु ताहाकु मुनि हो पूजा करै नीति दिने हे मुनि मु से साहाडा गच्छकु नीति दिन पूजा करूछि बुझी पारिलो तृतीय सोना जाउछि से कथा सुनी कि व्यासे प्रतिवाच तू भाग्यवंत राजा किस फल अछि तू साहाडा वृक्ष करू पूजा व्यासदेव प्रति उत्तर रे कहिले काहा को कहिले गांधार सेन को कहिले कोन कहिले तू भाग्यवंत राजा तू भाग्यवंत राजा किस फल अछि तू साहाडा वृक्ष करू पूजा हला तू जो पूजा करूचु नीति दिन साहाडा वृक्ष को कोन फल अछि कोन फल तते मिलुछि तू साहाडा वृक्ष को पूजा करूचु बोली व्यास देव हला काहा को कहिले गांधार सेन को कहिले गांधार गांधार सेन कहिला कोन कहिला गांधार सेन प्रतिवाच से करतार रथ चक द्रसने करई से अशेष कोटि पातक गांधार सेन कहिला कोन कहिला प्रतिवाच माला प्रति उत्तर रे कहिला प्रतिवाच अर्थ प्रति उत्तर रे कहिला कोन कहिला से साहारा वृक्ष होउची करतार रथ चक साहारा वृक्ष होउची सूर्यंकर रथ चक द्रसने हरई से अशेष कोटि पातक हला दर्शन सेई साहाडा वृक्ष को दर्शन कले कोन होउची अशेष अशेष कोटि पातक पातक अर्थ पाप हला पातक अर्थ पाप ताकु दर्शन कले कोटि कोटि पाप कोन हुए क्षय हुए बुझला पांच नंबर ब्यासे बोइले राजा नुहोइटी यमंत आम्भर तहु शुण हो सहस्र संगत व्यास देव ए सब कथा शुणिले तापर कहिले राजा नुहोइटी यमंत राजा जो एक कथा कहिले ए सब कथा हला नुह आउ कोण आम्भर तहु शुण हो अछि सहस्र संगत आम्भर हला व्यास कहिले आम्भर अछि शुण सहस्र संगत शास्त्र संगत सहस्र संगत शास्त्र संगत गोटे कथा अछि बोली शुण हला व्यासदेव कहिले काहाकु गांधार सेन को कहिले हला बुझी पारल अरे रेकॉर्ड होउची कि रे रेकॉर्ड ऑप्शन देखौची तमरो यस सर यस
हाँ सर रुक देख कुछ ओ ठीक है देखो वृषभ मास कृष्ण पक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतविशा नक्षत्रे विजय विश्वनाथ स्वामी वृषभ मास कृष्ण पक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतविशा नक्षत्रे विजय विश्वनाथ स्वामी से कहिले व्यासदेव कहा को कहिले गांधार सेन को कहिले कौन कहिले एमित कथा हला आमर गोटे शास्त्र संगत गोटे कथा अछि ताको सुनो कोई की से शास्त्र संगत हला सेही शास्त्र गोटे कथा एही व्यासदेव गांधार सेन को कहउछंती हला ए जो शास्त्र संगत कथा एबे आरंभ हमें करछंती वृषभ मास कृष्ण पक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतभिषा नक्षत्र विजय विश्वनाथ स्वामी किए विश्वनाथ स्वामी होचंदी शिव शिव हला किए शिव विश्वनाथ स्वामी शिव वृषभ मास कृष्ण पक्ष आमर केतटा पक्ष अछि रे दीटा पक्ष नै तुम सुनिछ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नै अतिथि पक्ष अतिथि तिथि केतटा रे दुईटा परा कृष्ण पक्ष एसु पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एटा दीटा हमर पक्ष रहउची हैला तिथि अलगा पंद्रटा तिथि हैला सेटा तमर देइची देखो वृषभ मास कृष्ण पक्ष तिथि को तिथि दशमी तिथि कृष्ण पक्षर दशमी तिथि हैला गुरु बार शतभिषा नक्षत्र केतरा नक्षत्र अछि हमर हैला से भितरु शतभिषा नक्षत्र गोटे अन्यतम हैला एई जो समय रे हैला विश्वनाथ स्वामी हमर शिव कोन कले बुलिया पई बाहरिले हैला नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी पिठी रे विजय कले देव पिनाकी सुळ पाणी नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी ए नंदीकेश्वर हैला ए शिव वृषभ पलाणी पलाणी अर्थ कोन पिठी हैला हां वृषभ पिठी रे कोन कला नंदी नंदी हैला शिवंकर से वाहन नंदी हैला ए जो शिव जिबे कोथरे जिबे वृषभ सहित जिबे हैला वृषभ पिठी रे वृषभ पलाणी हैला पिठी रे ए जो नंदीकेश्वर कोन रो पिठी रे कोन कले पिनाकी सुळ पाणी पिनाकी सुळ पाणी अर्थ किए ये होचंदी शिव हैला सर नंदीकेश्वर कोन सर पिनाकी रो अर्थ होची धनु सुळ पाणी अर्थ होची त्रिशूल धारी हैला त्रिशूल त्रिशूल धारी हैला एई धनु ए जो सर नंदी नंदी होचंती सर नंदीकेश्वर शिवंकर गोटे ना हैला हां नहीं नंदी नंदी हेले नंदीकेश्वर होचुन शिव हेले ना हैला नंदीकेश्वर एबे कुआ जीव इठे से वृषभर ना हैला जोटा की शिवंकर वाहनर ना हैला जोटे की शिव ता ऊपर बसी की भ्रमण रे जानती बुझिला बुझिला नंदीकेश्वर सेही समय हां सेही समय रे हैला एई पिनाकी अर्थ धनु सुळ पाणी अर्थ त्रिशूल धारी एई शिव कोन करंती एई नंदीकेश्वर पिठी रे बसी की विजय करंती हैला हृदरे आभरण सुडंग शपत फेरु अंतरिक्षे बाजई नवलक्षे डंबरु हृदरे आभरण उडंग शपत फेरु हैला उडंग अर्थ कोन साप हैला तुम देखिथिबो शिव कोन करंती आवरण करंती हैला आवरण करंती
कौन आवरण करती साप है अंतरक्षे बाजी नवलक्षे डम्बरु डम्बरु भी धारण करती नहीं शिव विष पान करते नहीं विष पान करते जेतु जो कंठटा विष रही जाने नाम नीलकंठ है कंठ से नील हो जाता अन्य नाम नीलकंठ है सापटा कौन शीतल सापटा हूँ शीतल गरम नाई साप को तुम धर कि साप को गुरे हुओ है साप हूँ शीतल से कंठ से थंडा थंडा करने से साप को से गुड़े ही नहीं हला से जो उड़ंग अर्थ साप हला ये सब धारण करौतुके बिड़हती स्वामी देवराजे कौतुके बिड़हती स्वामी देवराजे बैल आरोहीण देव मध्यपुरे विजे हला कौतुके बिड़हती बिड़हती अर्थ विकट हला बिड़हती अर्थ विकट स्वामी देवराजे बैल आरोहीण देव मध्यपुरे दिग्विजे हला से जो वृषभ पिठी रे बसिकी है कौन कले दिग्विजय मध्यपुरे कौन कले विजय कले विजय कले अनेक तीर्थे पशी आसंती सुढ़ले चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले अनेक तीर्थे पशी आसंती सुढ़ले सुढ़ले किए से शिव है सुढ़ले अर्थ से महादेव अनेक तीर्थ मध्यपुर बुलिले है अनेक तीर्थ जाए बुलिकी आसिले किए आसिले सुढ़ले आसिले महादेव आसिले चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले है बुली बुली आसिले कौ चली मान आसुचंती महेश्वर बैतरणी महेश्वर शिव बैतरणी नदी है बैतरणी नदी कूल आसुचंती साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कती लगी पत्रे गोटे एक बैल मथारे घेनिला कबेगी ये जो साहाड़ा ये जो बैतरणी नदी कूल है साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कती लगी बैतरणी नदी कूल है बाम कती कती अर्थ पार्श्व है कती अर्थ पार्श्व साहाड़ा वृक्ष है बैतरणी नदी है बाम पार्श्व रे लगी गोटे साहाड़ा वृक्ष अच्छी है से साहाड़ा वृक्ष रे गोटे है वृषभ कौन कला आनी कौन कला मथारे लगाइला बुझला वृषभ बोला देव बामे जेबे साहाड़ा वृक्ष थाई पत्रे गोटे सिरे घेनिले अमृत जोगाड़ पाई वृषभ बोला है शिवंक बाहन वृषभ बोला क्या कहला देव को कहला है शिव को कहला कौन कहला बामे जेबे साहाड़ा वृक्ष थाई साहाड़ा वृक्ष ये जो कौ नदी बैतरणी नदी है बैतरणी नदी बाम पार्श्व है साहाड़ा वृक्ष जब थी है से साहाड़ा वृक्ष पत्रे गोटे आनी कौन करिबो सिरे घेनिबो बा मथारे लगेबो बोले कौन हम अमृत जोगाड़ पाइब बा उत्तम जोगाड़ पाइब उत्तम खाद्य पाइब है डाहाण भागे जब बयर वृक्ष थाई तहीरु पत्र गोटे घेनिले शत्रु क्षय जाई चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कती लगी देख रे एगारटा मुझे अनेक तीर्थे पशी आसती सुढ़ले जो महादेव है अनेक मध्यपुर अनेक है तीर्थ बुलिकी आसती बुझला आसिकी ये महेश्वर बैतरणी नदी कूल आसुचंती बुझला
ডাহাণা ভাগে যেবে বয়র বৃক্ষ থাই তহিঁরু পত্র গোটিয়ে ঘেনিলে শত্রু ক্ষেয় যাই। ডাহাণ ভাগরে হেলা বা ডাহাণ পার্শ্বরে কোন থিব হেলা সাহাড়া বৃক্ষ গোটি অছি ছাড় ওটা গলা তো ডাহাণ ভাগে যেবে বয়র বৃক্ষ থাই হেলা বয়র বৃক্ষ কোন বরকোলি গছ হেলা ডাহাণ ভাগর যে বরকোলি গছ অছি তাইরু গোটে পত্র আনিলে কোন হব শত্রু ক্ষয় হয়ে যাব হেলা